हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में अपकमिंग वैकेंसीज कब आएंगी 2023 में। क्या इस साल वैकेंसीज आएंगी या नहीं, और कौन कौन से मतलब पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से पोस्ट के लिए आएंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा ALP एंड टेक्नीशियन की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। सेकंड नंबर पे रहेगी RRB JEE, और उसके बाद रहेगा RPF, SI और कॉन्स्टेबल का। ये तीनों वैकेंसीज आई थिंक 2018 में आई थी, और उसके बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और 2019 के बाद तो रेलवे ने एक भी वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला ही नहीं। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, 4 से 5 साल हो गया है, काफ़ी पोस्टें अब वैकेंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आएंगी और काफ़ी अच्छे नंबर में आएंगी। लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें ALP की सबसे ज़्यादा रहेगी, SI की लगभग 20,000 से ज़्यादा रहेगी, और जो JEE है वो 20,000 से ज़्यादा रहेगी, और SI और कॉन्स्टेबल में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। इसके बाद हो सकता है ग्रुप डी में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि इसकी भी पोस्ट काफ़ी खाली हो गई है, और 2019 के बाद इसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और जितनी भी वेटिंग लिस्ट थी अब रेलवे ने वो क्लियर कर दी है। जैसे 2018 से पहले की जितनी वेटिंग थी ग्रुप डी की जितनी थी, वो सारी हो गई है। और अब NTPC और जो ग्रुप डी का अभी ये वाली वैकेंसी आई है, इसका भी अब धीरे धीरे प्रोसेस हो गया है ज्वाइनिंग का। काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर लिया है। अभी आपको पता है रोजगार मेला हुआ था, तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने मतलब ज्वाइन कर लिया है फाइनली, और सैलरी भी उनकी आने लगी है। अब आने वाला है रेलवे का नया वैकेंसी, और इसी के रिलेटेड अभी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने भी बताया है कि जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, अब लगभग सारी चीज़ें तो ख़त्म है, वेटिंग वगैरह सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, ये प्रोसेस अब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद रेलवे में नई वैकेंसी आएगी। तो लगभग आपको जुलाई के आसपास नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, और अभी 8 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये वैकेंसीज निकालेंगे, और कोशिश करेंगे 2024 के चुनाव से पहले ज्वाइनिंग भी दे दें। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस चलने वाला है। आपको बताया अभी SSC CGL का नोटिफिकेशन आया था, 37,000 वैकेंसी थी, इसका भी बहुत ही तेज़ी से फास्ट प्रोसेस हुआ है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब रिजल्ट आने वाला है, और इसका भी रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी अब देखने को मिलेगा। लगभग 15 अगले तारीख अगले महीने 15 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसके आसपास। ठीक है, इसके और SSC CHSL का भी रिजल्ट आने वाला है, जो Tier 1 का एग्जाम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो आप तैयारी करते रहना, बहुत से एग्जाम के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर देना। जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी। थैंक यू गाइस।